जैसा कि आप लोग देख सकते हो, वेलकम टू बाबा धाम डीएमसी कोट। शिवगंगा घाट के ना बिल्कुल ही अपोजिट साइड में आपको कुछ जो भी बम है ना उनको रहने का व्यवस्था है। प्लस यहाँ पे अभी के टाइम तो सारे लोग रहते हैं, लेकिन जब गाइस देख सकते हो यहाँ पे अभी सीढ़ी का सफाई चल रहा है, प्लस नीचे के साइड कुछ लोग स्नान कर रहे हैं और फिर बिल्कुल यहाँ पे साफ सुथरा का ध्यान रखा जाता है। वहाँ पे शिवलिंग को रख दिया और शिवलिंग को रख दिए, उसके बाद वहाँ से गायब हो गए। बट जैसे वहाँ पे रखे और गायब हुए, फिर जैसे ही रावण वहाँ पे आए तो शिवलिंग को देखे वहाँ पे रखा हुआ, तो वो तो देख के बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए। फिर उन्होंने विनम्र रूप से शिवलिंग को उठाना बहुत कोशिश किया उठाने का, बट नहीं उठ पाए। तो लास्ट में गुस्सा में वो पाँव से मारे ना, तो थोड़ा सा अंदर की ओर चले गए और वहीं से गंगा जी का आगमन हुआ। हर महादेव, जय श्री राम गाइस। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारे वीडियो देख रहे होगे। सो गाइस, अभी अपन लोग शिवगंगा घाट के पास में बिल्कुल एकदम, और आज आप लोगों को शिवगंगा घाट दिखाने वाले, प्लस शिवगंगा घाट ये बनी कैसे ना उसके बारे में भी बताने वाले, जो कि पांड्या के थ्रू बताया जाएगा। तो अभी करते वीडियो स्टार्ट गाइस, वीडियो में बने रहना आप लोग। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, वेलकम टू बाबा धाम डीएमसी कोटसी सीआईसीआई, ये तो बैंक पर जा रहे हैं, बट ये वेलकम टू बाबा धाम। और आगे साइड देखो ना, तो अपना शिव गंगा का ये तालाब है, देख सकते हो तालाब अंदर के साइड से। बट अंदर के साइड से अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, फिलहाल अभी बाहर से मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा दे रहा हूँ। प्लस यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आप लोग पढ़ सकते हो, पंडा धर्म रक्षिणी सभा, जो कि निःशुल्क सेवा शिविर है। यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता, इस शिविर में आ सकते हो। प्लस कर्म स्थान घाट यहाँ पे, और आगे साइड जाओगे तो और भी कुछ घाट है, प्लस मंदिर भी है, थोड़ा बहुत छोटा सा मंदिर है जहाँ पे पूजा पाठ कर सकते हो। प्लस जो भी यहाँ से जाते हैं ना बम, वो अंदर नहा के जाते हैं कुछ लोग, प्लस यहाँ से भी कुछ लोग जल लेके जाते हैं, प्लस उधर भी मिलता है, मंदिर में भी मिलता है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ अंदर जाने के बाद। सो आप लोग देख सकते हो गाइस, बाहर की साइड कुछ ऐसा ऐसा आपको जूस मिलता है, प्लस खाने पीने का सामान मिलता है। और फिर यहाँ से अपन लोग एंट्री करते हैं ना, तो एंट्री गेट पे आप लोग देख लो श्री गुरुवे नमः, सो ओम श्री गुरुवे नमः। प्लस यहाँ के साइड सारे लोग स्नान करते हैं, पानी का देखो भाई, मतलब हवा के कारण ना कितना डगमग कर रहा है। तो ये भी एक घाट ही है, तो यहाँ से भी आप लोग स्नान कर सकते हो। उधर भी घाट है, उधर के साइड से भी स्नान कर सकते हो, वहाँ से भी स्नान कर सकते हो, वहाँ से भी, चारों तरफ घाट ही घाट है। प्लस यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है, मेरे ऐसा ख्याल से, आई होप कि हो, बट मेरे को कंफर्म पता नहीं है। बट चारों तरफ ये लोग, ये सिर्फ घाट ही है, यहाँ पे बहुत सारे लोग स्नान करने आते हैं। प्लस देखो यार, स्नान करते हैं ना तो साबुन ये सब लगाते हैं ना, उसके कारण गंदा हो जाता है पानी यार, तो ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। और आगे के साइड देखो ना, तो वहाँ भी काफ़ी सारे लोग श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, तो मैं अभी ना उधर भी जाके आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, जैसा कि देख सकते हो, ये सामने के साइड घाट है, यहाँ पे नहा सकते हो। और फिर यहाँ पे एक मंदिर है जिसमें आके आप लोग पूजा कर सकते हो, जय श्री राम, राम जी का मंदिर है, मतलब बजरंग बली का मंदिर है ये, प्लस शंकर जी का मंदिर भी हो सकता है। ये देखो बजरंग बली का मंदिर है, तो यहाँ पे आके पूजा कर सकते हो आप लोग। यहाँ आपका घाट पे नहाते सारे लोग और फिर पूजा भी करते हैं, प्लस जो भी पिंड विंड कुछ होता है यहाँ से लेके, क्या पिंड ही है ना शायद, पूजा पाठ करते हैं और फूल को आगे की ओर डालते हैं। और वो उधर देखो गाइस क्या लिखा हुआ, गहरा पानी आगे आगे ना जाए, जहाँ पे बांस लास्ट है ना वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गड्ढा है, इसीलिए पहले से ही बता दिए सारे लोग। और इधर की साइड देखो ना, तो इधर भी वही पानी मिलता है जो कि शायद। तो अपन लोग आगे बढ़ते ना, उसी के जस्ट आगे में ना आपको मिलेगा सार्वजनिक भारती पुस्तक देवघर, तो इसके जस्ट नीचे जाओगे ना तो इधर से भी एक घाट है, इधर भी लोग नहाते हैं, प्लस यहाँ पांडे जी भी हैं। प्लस आगे साइड देखो ना, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग स्नान निकल रहे हैं यार यहाँ पे, लेकिन यहाँ का पानी ना साफ दिख रहा है, हालांकि हरा पानी होगा लेकिन साफ पानी दिख रहा है, एकदम मस्त वाला पानी लग रहा है। मैं अभी आपको नीचे जाके दिखाता हूँ, ये देख सकते हो यार, सिर्फ हरा पानी शो कर रहा है लेकिन पानी बिल्कुल ही साफ लग रहा है। अब क्यों हरा पानी शो कर रहा है ये मेरे को नहीं पता, लेकिन पानी एकदम ही साफ, एकदम मस्त क्लीन पानी लग रहा है एकदम। और उधर के साइड भी देखो, तो उधर भी वही सारा सिर्फ घाटी है, इधर स्नानी लोग करते हैं, यहाँ पे स्नान करते हैं, प्लस जो भी हो यहाँ पे स्नान करने के बाद पूजा करने के लिए जाते हैं, प्लस कुछ लोग इधर ही पूजा कर लेते हैं बजरंगबली का मंदिर में। तो मैं अभी आपको जाता हूँ एक पांड्या के पास और वहाँ से यहाँ का वर्णन पूछता हूँ, ये आखिर ये घाट बना कैसे और क्यों बना। और गाइस, शिवगंगा घाट के ना बिल्कुल ही अपोजिट साइड में आपको कुछ जो भी बम है ना उनको रहने का व्यवस्था है। प्लस यहाँ पे अभी के टाइम तो सारे लोग रहते हैं, लेकिन जब 22 जुलाई आएगी ना, उस टाइम सावन महीना स्टार्ट होगा ना, उस टाइम यहाँ पे किसी को अलाउ नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे जो भी अधिकारी होंगे ना, पुलिस ये सब होंगे ना, वही लोग इसमें रहेंगे, उन्हीं लोग को रहने का परमिशन है। प्लस जो भी बम आएंगे उनको रहने का परमिशन बिल्कुल भी नहीं है। अभी तो फिलहाल सारे लोग रह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अभी सावन अच्छा से स्टार्ट नहीं हुआ, प्लस बंगाली लोग का है तो उतना भीड़ नहीं है, इसी कारण से यहाँ पे सारे लोग रह रहे हैं। बट वहाँ पे उस टाइम ना
काफ़ी सारा प्रशासन आ जाएगी, तो सारा प्रशासन ही इधर रहेंगे। लाइक वो देख सकते हो मेन प्रशासन का रहने का जगह है, वहाँ पे अभी भी है प्रशासन अंदर की साइड, जो कि रात में निकलते हैं सारे लोग, दिन में रेस्ट करते हैं और रात में अपना ड्यूटी करते हैं। और ये देखो बाबा को, हर हर महादेव। गाइस देख सकते हो यहाँ पे अभी सीढ़ी का सफाई चल रहा है, प्लस नीचे के साइड कुछ लोग स्नान कर रहे हैं, और फिर बिल्कुल यहाँ पे साफ सुथरा का ध्यान रखा जाता है। जैसा कि देख सकते हो दो भैया झाड़ू लगा के सीढ़ी को साफ कर रहे हैं, शिव गंगा तालाब का सीढ़ी को। तो अभी आपको ना इसका डिटेल में बता दें, क्योंकि हम लोगों ने दो तीन पांड्या जी से बात करा, उन लोगों ने मेरे को जहाँ तक बताया ना वो मैं आपको वर्णन करता हूँ। वो आखिर ये जो भी धाम है ना, एक कुंड है ना, ये कैसे बना है, ये तालाब का निर्माण कैसे हुआ है, तो मैं अभी आपको डिटेल्ड में बताता हूँ। थोड़ा सा ब्रीफ रहेगा, शॉर्ट्स रहेगा, क्योंकि अगर डिटेल्ड में जाएंगे ना काफ़ी इधर लॉन्ग हो जाएगी, बहुत ही लंबे तरीके से वो समझाएं तो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए अपन लोग शॉर्ट टर्म में जाएंगे। प्लस कुछ गलतियाँ अगर मेरे से हो जाएगी तो वो माफ़ करना गाइज, और आप लोग एक बार आके ना यहाँ पे कंफर्म हो लेना। तो चलो मैं कोशिश करूँगा ज़्यादातर मैं सही बात ही बताऊँ, गलत बात बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भगवान से रिलेटेड है, तो गलत बात बताना कितना घाटेमंद साबित होगा वो मेरे को पता है। तो मैं अभी आपको डिटेल में बताता हूँ सारा कुछ। गाइज यहाँ का सीन यहाँ से स्टार्ट होता ना, जब रावण जी ने ना जब शिवलिंग को हाथ में लेके जा रहे थे रास्ते में, जब शिव जी का वरदान था कि जहाँ पे ले जाके प्रस्थान करो मैं उनको रखेंगे शिवलिंग को, वहीं पे वो विराजमान होंगे, तो वो लेके जा रहे थे, लेकिन सारे भगवान लोग उनको रोकना चाहते थे। तो कोई भगवान ने उनको ऐसा ये किया ना कि जिसके कारण उनको टॉयलेट आया बहुत जोड़ों का, वो रोक नहीं पाए, रोक रहे थे लेकिन वो रोक नहीं पाए। तो वहाँ पे एक बालक खड़े थे, उनको वो शिवलिंग पकड़ाए और बोले कि मैं अभी टॉयलेट करके आता हूँ, आप इनको पकड़ के रखना, कहीं पर रखना नहीं। तो उस बच्चे को देके और वो गए अपना टॉयलेट, मेरे को हिंदी में पूरा प्योर हिंदी में मेरे को नहीं पता है, वो करने के लिए शौचालय करने। बट उसी दौरान वो बच्चे थे वो कोई भगवान का अवतार थे, जिन्होंने वहाँ पे शिवलिंग को रख दिया, और शिवलिंग को रख दिए उसके बाद वहाँ से गायब हो गए। बट जैसे वहाँ पे रखे और गायब हुए, फिर जैसे ही रावण वहाँ पे आए तो शिवलिंग को देखे वहाँ पे रखा हुआ, तो वो तो देख के बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए। फिर उन्होंने विनम्र रूप से शिवलिंग को उठाना बहुत कोशिश किया उठाने का, बट नहीं उठ पाए, तो लास्ट में गुस्सा में वो पाँव से मारे ना, तो थोड़ा सा अंदर की ओर चले गए और वहीं से गंगा जी का आगमन हुआ। लाइक ये तालाब है ना शिव गंगा, यहीं से आगमन हुआ। बाद जो गंगा जी का आगमन हुआ ना, वही यहाँ का नाम से रखाया शिव गंगा के नाम से। और फिर जहाँ पे रावण जी ने टॉयलेट करने गए थे ना, उनका भी एक जगह है, यहाँ से तकरीबन 45 किलोमीटर है, तो उसके बारे में भी अपन लोग 45 किलोमीटर जाके वहाँ का सारा अच्छे तरीके से वीडियो बनाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे वहाँ का भी। तो बस वीडियो को यहीं तक सोचते हैं, लास्ट करते हैं गाइस, क्योंकि वीडियो लंबा हो रही है, प्लस अपने को 45 किलोमीटर और भी जाना है, रावण का वो किला बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, वहाँ पर जाना है, वो काफ़ी डिस्टेंस पे, 45 किलोमीटर का डिस्टेंस पे, तो नाम मेरे को भी नहीं पता, बट किसी से पूछ के अपन लोग वहाँ पे जाएंगे और फिर वहाँ का सीन भी आपको दिखाएंगे। सो सोच रहे हैं यहाँ पे वीडियो को एंड करने के लिए। सो आई होप आप लोग ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, हर हर महादेव, हर हर शंभू, जय श्री राम।